गरबियांग गांव में हम बड़ानी संस्कार के बाद आदि कैलाश की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आदत बड़ा अच्छा बना दिया इसने, अच्छा कुछ आदत इसने बहुत अच्छा बना दिया है। इसको आदत ही बना देना वैसे। तभी तो बोला हम नहीं खिला पाए, दो दिन में ऐसे नहीं, अभी मैं जा रही तब खिला रही हूँ। लैंडस्लाइड के कारण हमें वाहन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम पैदल ही निकल पड़े हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। ये कोक्शिला है जो नेपालचो और गरबियांग के बीच में पड़ता है। ये आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर का पुराना पैदल मार्ग है। आप यहाँ रंगभूमि में जहाँ भी जाएंगे, आपको औषधि गुणों से युक्त पौधे जरूर मिलेंगे। अब लगता है आदि कैलाश जाने का किसी का प्लान नहीं है, शायद इतना लेट कर रहे हैं। हांगकांग से वापस हो जाएंगे। गरबियांग गांव से कुटी तक की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है, फिर कुटी से लगभग 21 किलोमीटर दूर आदि कैलाश है जो मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है। हम सौभाग्यशाली थे, गुंजी गांव में हमें गाड़ी मिल गया था, इसलिए हम कुटी जल्दी पहुंच गए। यह है व्यास वैली का अंतिम गांव कुटी। और पूरी बताइए कैसा लग रहा है आपको कुटी आके? कुटी आके बहुत अच्छा, स्वर्ग से सुंदर नजारा, गांव पहाड़ बहुत अच्छा। यहां कुटी गांव में दर्चो यानी विजय पताका भोजपत्र से बनाया जाता है और भोजपत्र की उपलब्धता यहां बहुत है। शाम को हम यहाँ श्रीमती बिंदु कुटियाल जी के घर में ठहरे हैं, जो रिश्ते में मेरी सासू माँ की बहन है। यह है कुटी गांव का सुबह का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर थे, तो इसी यात्रा पर पांडव ने अपना यहाँ निवास स्थान बनाया था। हमें गाड़ी मिल गई है, अब हम यहाँ से आदि कैलाश की ओर गाड़ी से जाएंगे। यह है पवित्र आदि कैलाश, यहाँ स्थानीय भाषा में जलिंगकोंग भी कहते हैं। यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। भीड़ भाड़ से अलग परमेश्वर के नजदीक हूं मैं, बस यही ठीक हूं मैं, यही ठीक हूं। हे परम श्री, हे परमेश्वर। हमने कुटी कुलेश मंदिर यानी आदि कैलाश मंदिर के चारों ओर 7 बार परिक्रमा किया। मन बहुत शांत था, बहुत शांति मिल रही थी। खुलने वाला है लेकिन ओम नमः शिवाय। हे प्रेम श्री चपी से सुनसा माँ, रंग राजुगे रंग पाटुगे रक्षा सुमो,
इन जम्मा बुद्ध बुद्धि दातिमो अखो अक्कल रंखो किच्चे दातिमो बुद्ध अम बुद्ध बंग लप्तिमो। पवित्र श्रद्धा से भरा, हवा में दमे की आवाजों की गूंज, धूप की महक, मीठी सर्दी के साथ, ऐसा है मेरा रंगभूमि, मेरा देवभूमि। आदि कैलाश पर्वत के नीचे जो आप त्रिशूल देख रहे हैं, उसके ही ठीक नीचे गौरीकुंड है। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। Thank you.
आपको पहाड़ों के बीच ऐशो आराम की चीजें तो नहीं मिलती, मगर आराम और चैन जरूर मिल जाता है। इतना सबक किताबें नहीं सिखा पाती जितना एक यात्रा सिखा देती है। इस जगह को गासेरा कहते हैं। यहाँ पर धान के जैसा पौधा मिलता है। मान्यता है कि माँ पार्वती ने यहाँ धान की खेती की थी। कलयुग के प्रादुर्भाव के बाद अब यहाँ धान नहीं होता है, बस पौधा ही उगता है। हमको आज भी गाड़ी नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमने सोचा पैदल ही यात्रा करते हैं। इसे नौकल कहते हैं, छूते ही टूट जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।